गरीबी ने इस जिंदा इंसान को इस तरह मार दिया है कि उसे अपनी मृतक पत्नी का शव ले जाने के लिए बांस का सहारा लेना पड़ा। नौबत ये थी कि मुसहर नकड़ू ने बांस में चादर बांधी, पत्नी के शव को रखा, फिर शमशान घाट के लिए रवाना हुआ। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों के सामने आया। मृतक पत्नी के अंतिम संस्कार के लिए पति को इस हाल में शव ले जाते देख हर किसी का दिल भर उठा। आसपास के लोगों ने फिर शख्स को वहीं पर रोक दिया और रोक कर अंतिम संस्कार के लिए पैसे जमा किए। बाद में पुलिस को फोन लगाया गया, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बांस के लट्ठों के बीच से निकाल कर रिक्शा से शमशान घाट भिजवाया। लाचार पति द्वारा पत्नी के शव को इस तरह शमशान घाट ले जाने का मामला जिले के झूसी इलाके का है। यह शव झूसी के नीबी गांव के रहने वाले मुसहर नखड़ू के पत्नी अनीता का है। बीमार चल रही पत्नी अनीता का इलाज दोना पत्तल बनाकर जीविका चलाने वाले नखड़ू नहीं उठा सका, जिसके चलते आज अनीता ने दम तोड़ दिया। गरीबी ने एक और शख्स की, एक और मासूम की जान ले ली। अनीता की मौत के बाद भी इसकी लाचारी और गरीबी ने पीछा नहीं छोड़ा। अनीता के पति नखड़ू के पास इतने पैसे तक नहीं थे कि अंतिम यात्रा के लिए कोई वाहन कर सके, लिहाजा उसने बेकार पड़े बांस के दो लट्ठों के बीच में एक चादर फंसा कर उसी में अपनी पत्नी का शव बांध दिया और लेके चल पड़ा शमशान घाट की ओर। लेकिन वो कहते हैं ना कि अभी भी दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग बचे हैं जो दूसरों की परेशानी को खुद की परेशानी समझते हैं। लोगों ने उसे रोका, उसकी मदद की, पुलिस भी मौके पर पहुंची, पुलिस ने भी उसकी मदद की। लेकिन इसमें कोई परहेज नहीं है, इसमें बोलने में कोई दो राय नहीं है कि फिर से गरीबी ने एक गरीब की जान ले ली जीते जी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।